नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IT गुरुजी में। दोस्तों, Redmi Note 7, Poco F1 और Redmi Note 8 Pro, इन तीन फोन्स के लिए अभी MIUI 12 आने वाला है, लेकिन उससे पहले उसकी स्टार्टिंग शुरू होनी है। तो बीटा टेस्टर्स के लिए जो लिंक है वो ओपन हो चुका है दोस्तों, आप एज ए बीटा टेस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे बीटा टेस्टर बन सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, पूरा प्रोसेस है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप एज ए बीटा टेस्टर सेलेक्ट हो जाते हैं तो MIUI 12 का जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जितने भी लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप बीटा टेस्टर में अप्लाई करेंगे तो आपको एक दो ग्रुप्स भी जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करने पड़ेंगे। इन टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आप बीटा टेस्टर के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो रोल आउट है वो कब होने वाला है। जो तमाम MIUI 12 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन ग्रुप्स में मिलती रहेगी। तो इन जो दो जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं इनका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो गूगल फॉरम है अप्लाई करने का, उसका जो लिंक है वो तो आपको जरूर से डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन डिवाइसेस को सिलेक्ट किया गया है, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro और Poco F1। तो दोस्तों आपके फ़ोन में भी कौन सा MIUI का वर्जन चल रहा है वो आपको चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। आपके फ़ोन में अगर MI है तो मतलब आप ग्लोबल वर्जन पे अभी रन कर रहे हैं, और अगर आपके फ़ोन में IN है तो आप जो है इंडियन वर्जन में रन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। तो ये आपने कुछ सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन में देख लेनी है, कुछ इस तरीके से आपको जो है MIUI वर्जन में फाइंड करना है कि आपका जो फ़ोन है वो भी इंडियन वर्जन में रन कर रहा है, ग्लोबल वर्जन में रन कर रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इस जो लिंक है फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपको अपनी MIUI ID एंटर करनी है। अभी MIUI ID आपको कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों आपको जाना है MIUI Store में, और MIUI Store में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपको जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको आना है MIUI Accounts में, और जैसे आप MIUI Accounts में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको की MIUI ID जो है मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से MIUI ID को कॉपी कर लेना है और वापस से चले जाना है गूगल क्रोम में, जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो है MIUI ID अपनी जो है एंटर कर देनी है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका डिवाइस है, किस डिवाइस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास इनमें से कोई भी डिवाइस नहीं है। आपका जो रोम का वर्जन है वो कौन सा है तो आपने चेक कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ मेरे पास कौन सा जो डिवाइस है, यहाँ पे आप देखें, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ अभी, ये जो है IN देख सकते हैं, जो Redmi Note 7 Pro है मेरे पास, और इसमें IN वर्जन है, मतलब इंडियन वर्जन पे ये अभी रन कर रहा है। तो आपको अपने Redmi Note 7 में देखना है कि आप कौन से वर्जन में रन कर रहे हैं, आपको जो भी फ़ोन का मॉडल है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और टेलीग्राम यूज़र नेम ज़रूर, टेलीग्राम का अकाउंट अलग बात है लेकिन उसके अंदर आपको एक यूज़र नेम भी सेट करना पड़ेगा, और वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा, और इसका जो रिज़ल्ट है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको उन टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं जो ग्रुप्स के, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।